नमस्कार, आज हम देखेंगे कि रिपीटेड 4-5 साइकिल करने के बाद भी IVF का रिजल्ट क्यों नहीं आता है। सो IVF रिजल्ट आने के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीजें होती है। एक तो जो गर्भ हम लोग बनाते हैं, एम्ब्रियो जो हम बनाते हैं, वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा फैक्टर यह होता है कि अंदर का जो लाइनिंग होता है, बच्चेदानी के थैली का अंदर का लाइनिंग, उसका लाइनिंग अच्छा बनना चाहिए। और थर्ड इज एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो प्रोसीजर है वो स्मूथली होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से होती है तो IVF का रिजल्ट आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये करने के बाद भी अगर कुछ पेशेंट में रिजल्ट नेगेटिव आता है या बार बार नेगेटिव आता है तो उनमें कुछ एडिशनल टेस्ट हम लोग को करने पड़ते हैं। वो टेस्ट अगर उसमें कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उस हिसाब से उसको एडिशनल दवा दे के हम फिर से IVF कर सकते हैं। पर 4-5 बार IVF करके फेल हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि उसका रिपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं आएगा। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको 5-6 बार करने के बाद उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है।